गंगा नदी और पानी को बचाने के लिए दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दूर से आए लोगों ने हिस्सा लिया। इस मैराथन में बुजुर्ग से लेकर महिलाओं और बच्चों ने भी हिस्सा लिया। लोगों को पानी का महत्व समझाया गया और पानी को बचाने की अपील की गई। राजधानी दिल्ली में आज नमामि गंगे को लेकर और साथ ही साथ पानी बचाने को लेकर एक बड़ी मैराथन हो रही है, जिसमें 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 21 किलोमीटर की ये एक रन है, जिसमें लोग भाग रहे हैं। आप देख तस्वीरों में देख सकते हैं कितना एनर्जेटिक है यहाँ पर लोग। पानी वाटर लेवल के नीचे हो चुका है, तो लोग इस पे जागरूकता फैलाने के लिए यहाँ पर लोग भाग रहे हैं, हिस्सा है। कुछ लोगों से बात करेंगे अगर उनके पास टाइम होगा। था आप ये रन किस लिए कर रहे हैं? के लिए, उसको साफ करने के लिए, देश में जागृति फैलाने के लिए। रोटरी क्लब मोदी नगर से, कितनी दूर से आए हम। और पानी कम होता जाता है, वाटर लेवल कम हो रहा है, उसको लेकर भी अवेयरनेस फैला रहे हैं। बिल्कुल फैला रहे हैं। उसके लिए जो है हम लोग जो है जमीन में जो गड्ढे करके और उसमें जो है वाटर लेवल को अपना अप करने के लिए खेतों में क्यारियों में इस तरह का काम हम कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करेंगे, महिलाओं से भी बात करेंगे। ये रन कितना एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, कितना एंथुसियाज्म भरा है? बहुत पॉजिटिव लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, एंड कॉज बहुत अच्छा है, सो वी आर वेरी एक्साइटेड। और क्या क्या आप अपने स्टेप्स लेते हैं गंगे को बचाने के लिए, या ये कहें पानी को बचाने के लिए? सी, इट्स ए वेरी गुड प्रोग्राम, वेरी गुड इनिशिएटिव, यू नो, टू स्प्रेड द अवेयरनेस। तो घर पे भी हम लोग करते हैं, बट इट्स स्प्रेडिंग द यू नो वाइड कॉज, सो इट्स वी आर वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ इट। क्या लगता है सर, ये रन से कुछ असर होगा? देखो बच्चों, लड़कों पे असर तो होगा और जनता भी असर होगा। जनता जो सोचती है कि भाई पानी को हम ना बचाएं, वो बचाएं, कोशिश करेंगे और जो सफाई है उसको भी ध्यान में देंगे, हमारा यही कहना है। और हम जनता यही मैसेज देना चाहते हैं कि जनता जो है इस मामले में जागरूक रहे। वीडियो जर्नलिस्ट अनुप यादव के साथ अर्पणा त्यागी।